हे फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर करूं आप सभी के साथ एक हेल्दी वेट लॉस मील, जिसे आप अपने डिनर में, लंच में ले सकते हैं। ये प्रोटीन रिच, फाइबर रिच है और ग्लूटेन फ्री है। इजी टू प्रिपेयर ये रेसिपी है। आइए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सिंगल सर्विंग रेसिपी है। इसमें आपको 285 कैलोरीज मिल रही हैं, 11 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है और करीब 9 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिल रहा है। बाकी इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ उससे रिलेटेड कैलोरीज के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। तो ये जो मैं रेसिपी शेयर करूँ, ये एक सैलेड की रेसिपी है और इसे आप अपने डिनर में प्रॉपर मील की तरह ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इजी टू प्रिपेयर है। और ये रेसिपी थायराइड पेशेंट के लिए, PCOS, PCOD जैसी जिनको प्रॉब्लम है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, सभी के लिए बेस्ट है। आइए मैं आपको बताती हूँ हमें इसे बनाना कैसे। सबसे पहले मैं इसके लिए एक ड्रेसिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमें लेना है एक बड़ा चम्मच ताजे नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है और अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है वेट लॉस डाइट में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच सफ़ेद वाली तिल। ये हमें भून कर लेनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारे सैलड को ग्लॉसी बनाता है एंड सैलड में काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक मैंने लिया है। एक छोटा चम्मच से आधा छोटा चम्मच ले सकते हैं। 2-3 गार्लिक को अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, जिससे हम अदरक को कूटते हैं ना उससे, या फिर अगर आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश हर्ब्स ऐड करके अगर आप ये बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर, या आप आधा छोटा चम्मच से एक छोटा चम्मच अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, क्योंकि मुझे सैलेड में ग्रीन चिलीज़ काफ़ी पसंद है, तो ये मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे, ताकि जो गार्लिक है ना ये इसमें अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। तो सबसे पहले आप अपनी ड्रेसिंग को बना के तैयार कर लें, ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से इसमें आ जाए। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये सैलेड की रेसिपी मैं बना रही हूँ कीनवा का इस्तेमाल करके। कीनवा एक ग्लूटेन फ्री अनाज होता है। इसमें 9 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो सभी अनाज से ज़्यादा पाई जाती है। और जिन्हीं का हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनके लिए कीनवा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम पाया जाता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, तो ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद हैं और ये वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये ईजिली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और यहाँ पर इस सैलेड के लिए मैंने सिर्फ 20 ग्राम ये कीनवा को लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बॉयल किया है। करीब 700 ml पानी में मैंने इसको बॉयल किया है, हल्का सा नमक डाल के, और फिर इसको हमने इस तरीके से छान लेना है, पानी को अलग कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ 20 ग्राम कीनवा को मैंने बॉईल किया था। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही कितना ज़्यादा हो जाता है बॉईल होने के बाद। और अगर आप अपनी डाइट में राइस लेना पसंद नहीं करते तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। राइस की तरह आप इसको खा सकते हैं अपनी दाल सब्जी के साथ भी। तो अब हमें लेना है एक अलग से बर्तन और इसके अंदर हमें ऐड कर देना है कीनवा। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ बॉइल्ड सब्जियाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 ग्राम आलू लिया है, 20 ग्राम गाजर और 20 ग्राम हरी वाली मटर है। इसको भी मैंने अच्छे से बॉइल कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे 20 ग्राम ही ली हैं। अब हमें लेना है ये किडनी बीन्स राजमा, ये भी मैंने 20 ग्राम लिया था और रात भर इसको सोक किया था, फिर मैंने इसको बॉइल कर लिया है करीब 3-4 सीटी तक आने तक। इसको आपको ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पे ये 20 ग्राम राजमा है, ये भी रिच इन प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। वेजिटेरियन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मील मैं बता रही हूँ। और अगर आप इसकी पनीर की क्वांटिटी बढ़ाना अगर आप इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर आपका कैलोरी काउंट भी बढ़ जाएगा। इसमें आपको 285 कैलोरीज मिल रही हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया ये 20 ग्राम टमाटर, 20 ग्राम मैंने प्याज ली है। सारी चीज़ें मैंने 20 ग्राम ली हैं और इसमें आराम से 2 लोगों का भी पेट भर जाता है। लेकिन मैं सिंगल सर्विंग रेसिपी ये बता रही हूँ, ताकि आपका ये एक प्रॉपर मील हो जाए, आपको सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ अच्छे से मिल जाए। ये सैलड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये सैलड लग रहा है, एकदम कलरफुल। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, अगर आपके पास हों तो ऐड कर दीजिएगा, ब्लैक या ग्रीन जो भी हो।
इन सबसे रिलेटेड कैलोरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। अब हम अपनी ये ऐड कर देंगे ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग की वजह से सैलड में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि इंडियन फ्लेवर दूँ और जितने भी इंग्रेडिएंट हो वो ईजिली आपको मिल जाए। अगर आपको फिर भी कीनवा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो ब्रोकन वीट होती है ना उसको भी बॉईल करके ले सकते हैं या फिर जौ को ले सकते हैं। इन सबको हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा बहुत ही यमी कलरफुल सैलड बनके तैयार है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। ये देखिए कितना डिलीशियस है और इजी टू प्रिपेयर है। बस आपको सारी चीज़ें बॉईल करनी है और अच्छे से इस तरीके से बना लेना है। आप सब चीज़ों को बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या अपनी पसंद की और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप आलू नहीं लेना चाहते तो वो टोटली ऑप्शनल है, मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे पसंद है। तो आप इसको अपने मनपसंद किसी भी सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड बिलीव मी, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप इसको बनाकर खाना अपनी डाइट में बेहद पसंद करेंगे। थोड़ी सी मैं इस पर ये हरी धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, ऑप्शनल है। थोड़ा सा इससे क्रंचीनेस आ जाएगा, हेल्दी फैट्स भी बढ़ जाएंगे, प्रोटीन की क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये नींबू और थोड़ी सी ये मिंट लीव। हमारा परफेक्ट सैलड गार्निश हो गया। तो आई रियली होप आपको मेरा ये आज का इजी टू प्रिपेयर ग्लूटेन फ्री सैलड आइडिया पसंद आया होगा जो कि वेट लॉस डाइट के लिए परफेक्ट है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। बाकी ये सैलड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यमी है, प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मेरे को बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए कोई नाम है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी की रिप्लाई करती हूँ। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।